आज हम कोरल ड्रॉ में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने पिक टूल के बारे में जाना था और यहाँ शेप टूल के बारे में जाना था। आज हम शेप टूल में बाकी के टूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्मूथ टूल। हालांकि जब हमने शेप टूल का इस्तेमाल किया था तो स्मूथ का भी इस्तेमाल हमने किया था, यानी कि जो कॉर्नर थे वो उसको स्मूथ कर देता था, वो कॉर्नर को ख़त्म कर देता था, वहाँ से गोलाई बना देता था। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में आपको ये सारी चीज़ें टूल्स के रूप में भी मिली हुई है, यानी कि कोरल ड्रॉ को आसान बनाने के लिए उन्होंने यानी जिन्होंने ये कोरल ड्रॉ डिज़ाइन किया है उसको अलग अलग टूल्स में डिवाइड कर दिया है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है इसमें स्मूथ टूल। स्मूथ टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्किल के रूप में किस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी जो साइज है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है। मैंने 1 पे एंटर किया तो ये बहुत छोटा हो गया, मैं इसको 10 mm कर देता हूँ इतना। अब आप देखेंगे मैं जूम टूल ले लेता हूँ और ये एरिया पे क्लिक कर करता हूँ और मैंने लिया ये स्मूथ टूल। अब मैं जैसे इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, यहाँ कॉर्नर पर ले जा करके इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे दबाना होगा, छोड़ना नहीं है। और देखो ये स्मूथ होता चला जाएगा, आपको जितना भी इसको स्मूथ करना है उतना आप कर लेंगे और क्लिक छोड़ देंगे तो उतना ही ये हो जाएगा। जो क्लिक करके हम इसको स्मूथ करते हैं, दबा के रखते हैं, तो उसकी जो टाइमिंग है बहुत ही स्लो है, जहाँ हम छोड़ेंगे वहाँ उतना ही हो जाएगा। हम इस टाइमिंग को तेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको देखोगे 20% जो है वो बड़ा हो रहा है, यानी कि स्मूथ हो रहा है। आप इसको बढ़ा करके मान लीजिए अगर मैं 80% कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करके दबा कर रखूँगा तो बहुत स्पीड से होगा, तो यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं आप। और बढ़ा देंगे तो और जल्दी से यहाँ पर होगा। मैं थोड़ा कंट्रोल जड़ कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखता हूँ और तो आप देखोगे वो स्मूथ होने लगा। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे है स्मेर। स्मेर का मतलब होता है, अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। आपको किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ आप करोगे तो इस तरह से वो डिज़ाइन बनाएगा। मैं F4 कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ करोगे क्लिक करके तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ होगा। ये जो इसकी गहराई है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जैसे मैं नीचे की तरफ क्लिक करके दबा कर रखता हूँ तो केवल इतनी गहराई हो रही है, अगर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो वो भी इतनी हो रही है। आप चाहो तो इनको भी बढ़ाया घटा सकते हो, यहाँ से 85 है, आप और ज़्यादा करोगे। और यहाँ थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये गहराई जो है और लंबी हो जाएगी, आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो उसी हिसाब से इस गहराई को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 100 कर देंगे तो ये और नीचे की तरफ आ जाएगी। ये जो गहराई आप देख रहे होंगे, जब गहराई करते हैं तो यहाँ पे स्मूथ आता है, यानी गोलाई आती है। आप अगर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक लगा हुआ है, क्लिक हुआ हुआ है स्मूथ स्मीर, अगर आप पॉइंट स्मीर कर दोगे तो क्या होगा, जब मैं इसके अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो वो गोलाई नहीं, वो इस तरह का डिज़ाइन आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है वो कॉर्नर आ रहा है और यहाँ पे बाकी की जगह पे गोलाई आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं ट्विल। ट्विल का मतलब होता है, मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि अब बात करते हैं ट्विल की। ट्विल का मतलब ये होता है,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि गोला सा, अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और दबा के रखता हूँ, तो ये आप देख रहे होंगे उस हिसाब से ही वो ड्रिल हो गया, क्योंकि अभी डायरेक्शन इस तरफ है। अगर डायरेक्शन में इस तरफ करके यहाँ पे करता हूँ तो डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी। तो आप जैसा चाहो वैसा इसको डायरेक्शन दे सकते हो, क्लिक करके जितना आप दबा के रखो केवल वो उतना ही घूमेगा, जहाँ पे आप क्लिक करके छोड़ दोगे वो हट जाएगा। मैं क्लिक करके दबा के रखता हूँ, देखो जब तक दबा के रखूँगा तब तक ये घूमता रहेगा। तो आप इस तरह से कोई भी ड्रिल शेप दे सकते हैं, इसकी टाइमिंग बढ़ाया घटा सकते हैं, कितनी स्पीड से ये घूमे कितनी स्पीड से ना घूमे आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इसका साइज 20 मिलीमीटर है, आप कम भी कर सकते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप लग रही है, यानी कोरल ड्रॉ में आप कोई भी शेप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन में। ये ओल्डर वर्जन में सारी चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ तक सीखा। इसके आगे बात करते हैं, इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं ताकि ये फिर से पहले जैसा हो जाए। ट्वेल्व टूल के आगे है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट भी एक तरह का स्मीर करके होता है, उसके जैसा ही होता है, लेकिन ये टाइमिंग के हिसाब से चलता है। तो बात करते हैं अट्रैक्ट पे, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पीड होगी, जो भी आपको स्पीड रखनी है तो आपको पता ही है। और यहाँ से इसका साइज बड़ा घटा सकते हैं। तो अगर मैं क्लिक करके स्पीड से अगर नीचे करता हूँ तो ये केवल इतना ही आए इतना ही रहेगा, लेकिन यदि मैं क्लिक करके दबा के रखता हूँ बहुत ही आराम आराम से नीचे की तरफ आता हूँ, यानी कि बहुत ही आराम से आता हूँ, तो ये उतना ही नीचे की तरफ चलता रहेगा, यानी कि स्पीड पे वर्क करता है। ऐसे ही अगर क्लिक करके दबा के रखता हूँ बहुत ही आराम आराम से ऊपर की तरफ चलता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप आराम से इसको करोगे उतना ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जितना आराम की तरफ नीचे की तरफ करेगा उतना ही नीचे की तरफ आएगा। अगर स्पीड से कर दोगे तो केवल ये यहीं रुक जाएगा, आप देख रहे होंगे ये केवल यहीं रुक गया। दरअसल इन टूल्स का इस्तेमाल केवल हम सीख रहे हैं, जब हम शेप वगैरह बनाएंगे तो इन टूल्स का इस्तेमाल हम बिना कर्व किए भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेप टूल में सीखा था कि किसी को हम ऊपर कर रहे हैं किसी को नीचे कर रहे हैं, लेकिन इन टूल्स में थोड़ा सा ये होगा कि हम जब कोई भी शेप बनाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा, बिना शेप टूल के कर्व किए हुए हम इन टूल से भी कर सकते हैं। रिपल टूल के बारे में बात करते हैं। रिपल टूल का काम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पहले कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ, और ये एरिया हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे रिपल टूल, तो रिपल टूल में ये जो आप बीच वाला पॉइंटर देख रहे हो यानी प्लस का साइन देख रहे हो, आपको अगर आप शेप के ऊपर ये थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं साइज इसका, इस लाइन के ऊपर रख के अगर आप क्लिक करके दबा के रखते हैं तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह से इतना हिस्सा काट देगा। अगर ये प्लस का साइन आप नीचे की तरफ रखते हैं और क्लिक करके दबा के रखते हैं तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। जब हम सर्किल वगैरह का काम करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है, कोई लोगो वगैरह हम जब डिज़ाइन करेंगे तो आमतौर पर इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बिना किसी शेप टूल का इस्तेमाल किए हुए, यानी बिना किसी हम बिना किसी शेप को कर्व किए हुए। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम केवल सारे के सारे टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, यदि हमें टूल्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा तो हम कोई भी शेप या कोई भी डिज़ाइन को आसानी से बना पाएंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे बात करते हैं स्मज टूल की। स्मज टूल समझने के लिए पहले हम इसको वापस वैसे फिर नॉर्मल कर लेते हैं।
स्मज टूल हमने यहाँ से लिया, जैसे हमने स्मज टूल लिया इसकी पहले हम यहाँ से जो साइज है इसका बढ़ा देते हैं। स्मज टूल का अभी बहुत बारीक तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो स्मज टूल इस तरह का होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो 45 पॉइंट पे है यहाँ पे, तो ये जो है इसकी गोलाई है। आप अभी अंडाकार है, आप इसको मान लीजिए और बढ़ा दोगे 70% कर दोगे, थोड़ा ये और गोल हो जाएगा, 100% कर दोगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा। इसी तरह से मैं इसको 50% रख लेता हूँ, इसी तरह से अभी ये बिल्कुल सीधा है क्योंकि यहाँ पे जीरो है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, यानी मुझे मान लीजिए 15% इसको घुमाना है तो 15% इस तरह से राउंड हो जाएगा। इसका काम ये होता है कि आपको क्लिक करके यहाँ पे नीचे की तरफ करोगे तो इस तरह से नीचे की तरफ कट जाएगा, ऐसे क्लिक करके आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी इसको डिज़ाइन दे सकते हो शेप को। वापस कंट्रोल जड़ कर देते हैं। स्मज टूल से आगे बात कर लेते हैं। स्मज टूल से आगे है रफन टूल। रफन टूल का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह का जिगजैग जैसा होता है। अभी मैं बात करता हूँ इसकी। हमने ये लिया रफन टूल लिया, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने 20 साइज बढ़ा दिया, थोड़ा F4 कर लेते हैं। जैसे ही आप ये देख रहे होंगे रफन टूल लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक है यानी कि एक पॉइंट है, यानी एक रफ आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखो इस लाइन के ऊपर रख देता हूँ ये जो हैंडल है इसका, और मैं यहाँ पे रख के क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, एक ये ऊपर की तरफ लेके आएगा और नीचे की तरफ लेके आएगा। और अगर मैं यही चीज़ क्लिक करके दबा के रखता हूँ और आगे की तरफ करता हूँ तो ये जिगजैग होता चला जाएगा अपने आप ही। आप चाहो तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, मान लीजिए 4 पॉइंट करें, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, क्लिक किया तो यहाँ पे 4 होगा। ये जो इसकी गहराई है अभी 45 है, आप इसको चाहो तो बढ़ा भी सकते हो तो ये बढ़ जाएगी। मतलब आपको 0 करना है तो ये उतने हिसाब से बढ़ जाएगी, यानी जितना आप कम करोगे ये जो गहराई है उतनी बढ़ जाएगी, और जितना इसको ज़्यादा करोगे वो उतनी गहराई जो है इसकी वो कम हो जाएगी। आप देख रहे होंगे बहुत ही कमाल का टूल्स है ये। इसी में इसके आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉप टूल की, और क्रॉप टूल के अंदर क्लिक करके दबा के रखेंगे तो इसके अंदर नाइफ टूल है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल है, इरेजर टूल है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉप के लिए पहले हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, हालांकि ये शेप पे भी इंसर्ट हो जाए, ये शेप पे भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा पोज कर देता हूँ ताकि इमेज इंसर्ट कर लूँ, नहीं तो हमने यहाँ एक इमेज इंसर्ट कर ली। अब बात करते हैं क्रॉप टूल की। क्रॉप टूल का मतलब होता है काटना। अगर आप इस इमेज के किसी हिस्से को अगर आप काटना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपके सामने क्रॉप टूल का इस तरह का साइन आ जाएगा। अब आप जहाँ से जो हिस्सा काटना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग आपको करना होगा, और जहाँ आप छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद एंटर कर दोगे तो क्या होगा, उतना हिस्सा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा भी करेंगे तो केवल इतना हिस्सा बड़ा होगा, जो हिस्सा हमने काटा था वो ख़त्म हो गया, यानी वो चला गया। इसी तरह इसके अंदर नाइफ टूल होता है। नाइफ का मतलब भी काटना ही होता है। अभी बात करते हैं इसकी भी, इसके लिए भी आपको नाइफ टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी हिस्सा काटना है, आप उस लाइन के ऊपर जैसे ही आएंगे तो देखा आपने अभी जो नाइफ है वो इस तरह से है, और जैसे ही आप लाइन पाए तो वो नाइफ जो है एकदम खड़ा हो गया। यानी कि अब आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके छोड़ देना है, ये फ्री हैंड हो जाएगा बिल्कुल। और आपको जहाँ तक काटना है लास्ट वाले कॉर्नर पे फिर दोबारा से आप क्लिक कर देंगे। ये इमेज प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसको हम शेप पे चलाते हैं। नाइफ टूल को ये एक शेप है, या इसको हम दोबारा से डिलीट ही कर देते हैं सारा मैटर, हम दोबारा से बना लेते हैं शेप को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको नाइफ टूल लेना है। नाइफ टूल लेने के बाद आपको
लाइन पे जैसे ही लेके जाओगे ये नाइफ एकदम खड़ा हो जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है, ये फ्री हैंड हो जाएगा, आप जितना एरिया चाहो उतना एरिया काट सकते हैं। आपको यहाँ पे यहाँ तक काटना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये एरिया कट जाएगा। आप क्लिक करके माउस को दबा के रखते हो तो अपने हिसाब से भी आप जैसे चाहो वैसे एरिया काट सकते हो। अगर आपको कोई इमेज पर्टिकुलर काटनी है आप जिस दिशा में चाहो उस दिशा में इसको काट सकते हो। ये हिस्सा हमारा कट चुका है, आप चाहो तो पिक टूल लेकर के जो हिस्सा आप कटा हुआ उसको क्लिक करके एक तरफ कर सकते हैं, वो हिस्सा अलग हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये हिस्सा जितना हमने काटा था वो सब अलग हो चुका है। इसके आगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, आपने जो हिस्सा काटा है आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये टूल लेंगे और आपको जो भी हिस्से को डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करेंगे तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करना है आपको यानी खींचना है तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, दोबारा से हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं या इसको ख़त्म करके डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक शेप बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं, एक होता है इरेजर। इरेजर मिटाने के लिए होता है, आप इस कलर को चाहो तो मिटा सकते हैं। अभी बताता हूँ, जो नाइफ टूल था, नाइफ टूल तो हिस्सों में बांट रहा था शेप को, लेकिन इरेजर क्या करेगा, वो केवल कलर को डिलीट करेगा, बाकी शेप ऐसी रहेगी। करके देखते हैं, मैंने इरेजर पे क्लिक किया, इसका साइज, और जैसे इरेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप आती है। आपको सर्किल में यानी कि राउंड डिप में काटना है या रेक्टेंगल शेप में काटना है यानी स्क्वायर में काटना है, तो आप जो भी चाहो यहाँ से ले सकते हैं। इसका यहाँ से साइज आप जितना चाहो उतना ले सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए मुझे यहाँ से काटना शुरू करना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और क्लिक करके आपको दबा के रखना है और जहाँ चाहे आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कलर डिलीट हुआ बाकी शेप ही एक ही है, तो एक ही काम कर रही है। नाइफ टूल में ऐसा नहीं था, नाइफ टूल में तो हिस्से हो गए थे, लेकिन ये एक ही है यानी कलर ही डिलीट करेगा ये। इसके अलावा आप इरेजर का कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप चाहिए। क्लिक करके यहाँ मैंने दबा के रखा और मैंने यहाँ तक किया तो इतना ही होगा। क्लिक करके मैंने दबा के रखा और केवल यहाँ तक किया तो इतना ही वो इरेज होगा। तो ये क्रोप के अंदर कुछ टूल्स थे जो आपने अच्छे से सीखे। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे आता है जूम टूल, जिसका शॉर्टकट की है जेड। यदि आप कीबोर्ड से जेड दबा देंगे तो ये जूम टूल का साइन आ जाएगा और आपको क्लिक करके जितना हिस्सा जूम करना है क्लिक करके दबा के रखना है और ये ड्रैग करना है, तो इतना हिस्सा अगर हमें जूम करना है तो इतने हिस्से हम ड्रैग कर सकते हैं, वो जूम हो जाएगा। आपको जूम आउट करने के लिए राइट वाला क्लिक करना होगा तो उतना ही जूम आउट हो जाएगा, तो आप जितना चाहो हिस्सा जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं राइट क्लिक दबाकर। जितना हिस्सा आपने जूम किया, जूम करने के बाद एक होता है पेन यानी हैंड टूल, इसका एच शॉर्टकट की है। अगर आप कीबोर्ड से एच टूल भी अगर दबा देंगे तो इस तरह का हैंड आ जाएगा। हैंड काम होता है इधर उधर खिसकाना, आप देख रहे होंगे हैंड से अगर वो शेप बड़ी है तो आप इधर उधर उसको खिसका सकते हो। हालांकि इसका जो है, जब हम कोई इमेज वगैरह पे कोई बड़ी शेप पे काम करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका आप शॉर्टकट की याद कर लीजिए, जेड से जूम होता है और राइट क्लिक से जूम आउट होता है और हैंड टूल के लिए एच इस्तेमाल होता है। इसके आगे टूल्स के बारे में बात करते हैं, इसके आगे फ्री हैंड टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करके दबा के रखेंगे तो ये पॉइंट लाइन, बेजियर पेन या पॉलीगन, स्प्लीन, थ्री पॉइंट कर्व, ये सारे के सारे जो हैं वो लाइन के स्टाइल है। आप यहाँ से अलग अलग तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम जो ये है शेप है इसको हम डिलीट कर देते हैं। बात करते हैं फ्री हैंड टूल की। फ्री हैंड टूल मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का साइन आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइन वाली खुल जाएगी। आपको क्लिक करके छोड़ देना है और आप देखोगे ये एक फ्री हैंड लाइन आ गई। आपको जिस भी दिशा में चाहिए उस दिशा में आप इस लाइन को रख सकते हैं। अगर आपको
बिल्कुल सीधी चाहिए तो कीबोर्ड का शिफ्ट दबा लेंगे और आप देखोगे बिल्कुल सीधी सीधी ये 15-15 डिग्री पे घूम रही है। तो आप क्लिक दबाओगे दूसरा दोबारा तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ होगी। यदि आप क्लिक करके दबा के रखते हैं और इस तरह खींचते हैं तो उस लाइन का आप स्टाइल भी किसी तरह से चेंज कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसा स्टाइल आ जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप चाहो तो शेप टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप टूल आपने लिया, किसी लाइन को आपको और ज़्यादा कर्व करना है या इसको ऊपर की तरफ रखना है, इसको नीचे की तरफ, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ से रख सकते हैं। ये तो हम जब सीखेंगे तो शेप जब बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक टूल्स जो हैं वो क्या है और इन टूल से हम किसी भी तरह की शेप या डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। तो इसके बाद बात कर रहे थे हम फ्री हैंड टूल की। इसके बाद जैसे फ्री हैंड टूल होता है, ये तो इसका एक्स वाई है, जो भी जहाँ लंबाई या चौड़ाई पे कई जगह रखा हुआ है, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई होती है लाइन की। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इस लाइन को रोटेट कर सकते हैं जिस भी एंगल पर आपको रोटेट करना है। मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली, ये जैसे मैंने देखा था, बताया था जब आपने यहाँ ट्रांसफॉर्म में किया था मिरर वाला ऑप्शन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मिरर कर सकते थे। अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, अभी प्रॉपर्टी की आगे बात कर लेते हैं। आप देखोगे तो ये मिरर हो जाता है, जो जैसे ये लाइन इस साइड है, अगर मैं इस पे करता हूँ मिरर हॉरिजॉन्टली तो ये हॉरिजॉन्टली स्टाइल में मिरर हो जाएगा, नहीं घूम जाएगा। मिरर का मतलब सीसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्टिकली मिरर हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं यहाँ से आउटलाइन की विथ, यानी जो ये लाइन है इसकी विथ, यानी चौड़ाई जो है इसकी, यहाँ से बढ़ाया घटा सकते हैं आप, जितनी चौड़ाई को इसको देना है उतनी चौड़ाई दे सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट एरो, जो एरो स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। जो लाइन हो रही है, जो स्टार्टिंग का एरो है, आप एरो लगा सकते हैं। यहाँ पे एंडिंग वाला जो भी आप चाहो वो लगा सकते हैं। यहाँ से लाइन का स्टाइल है, आप जिस लाइन में चाहो उस लाइन में ये रख सकते हैं। क्लोज कर्व कर दोगे तो ये कर्व जो हो, अगर ये कर्व हो रहा होगा तो क्लोज हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे पहले सीखा था। फ्री हैंड स्मूथिंग जो एरो है वो इसका जितना चाहो उतना स्मूथ कर सकते हो। इसके आगे बात करते हैं, फ्री हैंड टूल के आगे बात करते हैं, ये है 2 पॉइंट लाइन टूल। 2 पॉइंट लाइन टूल को समझने के लिए पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं। 2 पॉइंट लाइन टूल में आपको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, अगर क्लिक करके छोड़ दोगे तो कोई लाइन नहीं आएगी। आपको क्या करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, आपको क्लिक करके दबा के रखना है तो ये लाइन आएगी, और जहाँ छोड़ दोगे वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसमें आप यहाँ से चाहो तो एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया, क्लिक करके दबा के रखा, फिर यहाँ छोड़ दिया, हो जाएगी। अभी जो है ये पॉइंट लाइन टूल है, और दो टूल इसके और है, इन टूल की बात कर लेते हैं। अभी तो ये पहले वाले टूल में क्या हो रहा है, ये क्लिक करके हम जहाँ तक लेके जा रहे हैं और छोड़ देते हैं तो लाइन हो जाती है, फिर क्लिक करके दबा के रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर लाइन वहाँ तक ड्रॉ हो जाती है, फिर क्लिक करके जिस पॉइंट पर ले जाकर छोड़ देंगे तो वहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी। इसमें क्या है कि मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने ये सेकंड वाला टूल्स लिया, लेने के बाद अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके दबा के रखता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ हो गई लेकिन इस लाइन के ऊपर ही वो फ्री चल रही है, आप इसको जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर लेके जा सकते हैं। और वापस मान लीजिए फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो फिर यहाँ से आ गई, वापस मान लीजिए फिर यहाँ शुरू करता हूँ, तो इस तरह से वो डिज़ाइन बन रहा है। इसके आगे बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके दबा कर रखता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ तो यहाँ आएगा, अब क्लिक करके यहाँ छोड़ देता हूँ यहाँ आएगा, यहाँ छोड़ देता हूँ यहाँ आएगा, यानी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। यानी तीनों टूल का अलग अलग इस्तेमाल है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। जैसे पहले टूल का इस्तेमाल था लगभग वैसा ही
इसका भी इस्तेमाल है, ये पहला भी है और ये दूसरे वाला भी लगभग ऐसा ही है। इसको दोबारा डबल क्लिक कर देते हैं पिक टूल पर ताकि सारा सेलेक्ट हो जाए, उसको हम चाहो तो एक बार में डिलीट कर सकते हैं। और जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी ही होती है। मैंने केवल आपको ये इसलिए बताया क्योंकि वो पहले वाले फ्री हैंड टूल में नहीं था, बाकी ये सारे के सारे उसमें भी थे और इसमें भी थे। तो इसे आप अपने आप एक एक करके करके देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बेजियर टूल की। बेजियर टूल का काम होता है दरअसल, करके बात करके देखते हैं, इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बेजियर टूल मैंने लिया, लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है और आपको जहाँ तक लाइन चाहिए और वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो एक लाइन आ जाएगी। और क्लिक करके छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। आप जैसे ही नीचे की तरफ करोगे तो इस तरह का एक कर्व आएगा, आपको जिस भी दिशा में चाहो उस दिशा में यहाँ पे रख सकते हैं। आपको यहाँ चाहिए, फिर एक और टूल आ गया, आप इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जितना आपको चाहिए उस स्टाइल में आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपको मान लीजिए यहाँ चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ना नहीं, आपको क्लिक करके दबा के रखना है ताकि ये स्टाइल जो है आपका आ जाए। आप देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया टूल है ये। जैसे ये वाला जो नोड है वो थोड़ा अंदर हो गया, हम चाहो तो इसको एडजस्टमेंट के लिए शेप टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देखोगे शेप टूल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो ये बेजियर टूल था, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो टूल्स हैं वो लाइन के स्टाइल पे ही सारे चलते हैं, यानी सारे के सारे लाइन है, वो किसी न किसी तरह का कोई ना कोई सा स्टाइल से वो ड्रॉ हो रही है। आपको ये सारे के सारे टूल्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको कोरल ड्रॉ के टूल्स याद नहीं होंगे, यानी उनके बारे में पता नहीं होगा, तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कोई भी नहीं बना पाओगे। यदि आपको इन सारे टूल्स का अच्छे से ज्ञान हो गया, यानी कि ये याद हो गए, तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन पाओगे, आप कोई भी डिज़ाइन अच्छे से बना पाओगे। तो इसके आगे बात करते हैं पेन टूल की भी। थोड़ा सा बाहर क्लिक करके हम थोड़ा सा एक शेप शेप की ज़रूरत नहीं है वैसे, बात करते हैं पेन टूल की। तो पेन टूल को हम क्लिक कर लेते हैं। पेन टूल से काम ऐसा होता है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके दबा के रखा, फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिर दबा के रखा, यानी कि मैं जहाँ भी क्लिक छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, वो हटता नहीं है, वो लाइन को जोड़ने के लिए दोबारा से अपने आप ही क्लिक हो जाता है। अगर आप किसी को मूव करना चाहते हैं, यानी कि राउंड करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करके दबा के नहीं, दबा के छोड़ना नहीं, आपको क्लिक करके दबा के रखना है तो वो मूव हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, और जहाँ भी आपको ख़त्म करना है वहाँ पर डबल क्लिक एक साथ कर देंगे तो वो एरिया डबल हो जाएगा। तो ये पेन टूल था, बहुत ही अच्छा टूल है। आप देखोगे तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं इसकी सहायता से। इसके आगे बात करते हैं स्प्लाइन टूल की। स्प्लाइन टूल का मतलब ये होता है, ये एक तरह का स्मूथ होता है। स्मूथ से मतलब मेरा यह है कि इसमें जो है कॉर्नर नहीं बनते। आप भी स्प्लाइन टूल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने एक क्लिक यहाँ किया, करने के बाद फिर एक क्लिक यहाँ किया, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ चलोगे तो देख रहे होंगे यहाँ पे एक कॉर्नर नहीं बना, बल्कि एक जो है स्मूथ हो गया, यानी राउंड की शेप में आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, तो आप देखोगे वो रेक्टेंगल ना बन करके थोड़ा हल्का सर्किल की शेप में आ गया। तो इस तरह से आप भी स्प्लाइन शेप स्प्लाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं पॉलीगन टूल की। जैसे कि आपने स्प्लाइन टूल देखा कि ये जो है ये कॉर्नर नहीं बनाता, ये केवल स्मूथ रखता है कॉर्नरों को, जहां भी आप छोड़ दोगे वहां पे डबल क्लिक कर दोगे तो इस तरह से ये स्मूथ रखता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमने सीखा भी था, मिरर हॉरिजॉन्टली, इस पर क्लिक कर देंगे हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाएगा, नहीं घूम जाएगा, वर्टिकली जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह आगे बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन भी एक तरह का फ्री हैंड टूल के जैसा ही होता है, इसमें भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, छोड़ दिया, तो ये लाइन आपके साथ चलेगी। आपने जहाँ भी क्लिक किया छोड़ दिया, और जहाँ भी आपको एंड करना है वहाँ पर डबल क्लिक आपको कर देना है, तो क्या होगा वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा डबल क्लिक करने के बाद। आप जैसे चाहो वैसे इसको पॉलीगन से बना सकते हो। इसी तरह यहाँ से जो स्टाइल है वो सारे के सारे वो ही हैं जो आपने सीखे थे। और जैसे आप पिक टूल लोगे और यहाँ पे क्लोज कर्व, जैसे यहाँ से कर्व खुला हुआ है अभी, तो यहाँ पे कलर फील नहीं है, अगर मैं क्लोज कर्व पे क्लिक कर दूंगा तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा कर्व। तो आप जिस भी तरह से चाहो उस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसके आगे है 3 पॉइंट कर्व टूल। ये आपको 3 मौके देता है डिज़ाइन बनाने के, यानी कर्व करने के 3 पॉइंट देता है। आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करके आपको रखना है और यहाँ छोड़ देना है, और देखिए मैंने यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ पे ये अपने आप ही आप इसको कहीं भी कर्व कर सकते हैं, जिस भी चाहो उस स्टाइल में आप इसको कर्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ किया, आप जिस भी चाहें उस स्टाइल में यहाँ पे कर्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह का कर्व टूल है। एक बार फिर से इसको दोबारा से देख लेते हैं, इनको डिलीट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिया 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, अब 1 पॉइंट और बचा। आप इसको जिस भी दिशा में चाहो उस दिशा में इसको कर्व कर सकते हैं। आपको जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन बन गया। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है स्मार्ट ड्राइंग। आप स्मार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेंसिल बना हुआ आ जाएगा, और इसका जो है प्रॉपर्टी बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे, शेप रिकॉग्नाइजेशन लेवल जो है मीडियम है, ये स्मार्ट स्मूथिंग लेवल, यानी कि स्मूथ समझते हैं आप, जिसका कॉर्नर नहीं होते वो भी यहाँ पे मीडियम है। इसको हम समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इस तरह से शेप बनाता हूँ, तो वो इस तरह से शेप बनती है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट में कर देता हूँ दोनों को, अब मैं यहाँ पे शेप बनाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये जो है थोड़ा स्मूथली है और ये जो है बहुत कम स्मूथली है। तो यहाँ से आप जिस भी चाहो उस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हाई करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो इससे ज़्यादा बेटर होगी, यानी कि इसमें जो है जो नोड है वो बहुत कम ही के हिसाब से दिखाई जाएंगे। अगर मैं इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो अपने आप सीधी कर देगा अगर हमारा हाई पे होगा। इसी तरह अलग अलग है, और हाईएस्ट कर देंगे दोनों को, तो हल्का सा अगर तिरछा भी होगा तो वो तब भी उसको बिल्कुल सीधा ले करके आ जाएगा, यानी कि जितना आप हाई करेंगे उतना अच्छा स्मूथली लाइन ड्रॉ करेगा, जितना आप लो करेंगे दोनों में उतना जो है वो नोड ज़्यादा लेकर के आएगा। तो ये हमारा लाइन टूल थे, और सारे के सारे लाइन टूल पे ही इस्तेमाल होंगे। तो आज हम इतनी ही क्लास रहने देते हैं, आगे क्लास में बाकी के आगे के टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन टूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप एक बार इन टूल्स को अच्छे से समझ गए तो कोरल ड्रॉ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज आप इतना ही करके देखेंगे।